तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निकल सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और अगर अगले वाले एपिसोड में आना है तो यहां कमेंट सेक्शन में नीचे अपने क्वेश्चंस लिख देना, वहीं से पिक करता हूं 20 से 22 क्वेश्चंस। एंड लास्ट वाले एपिसोड में जिन्होंने क्वेश्चन लिखे थे उसी में से मैंने 20 से 22 क्वेश्चन पिक किए हैं और उन्हें के आंसर दे रहा हूं इस वीडियो में। चलते से वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आए हैं और मेरे हिसाब से उनके आंसर्स क्या होते हैं। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। चलते से वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन आता है तुषार गुप्ता की तरफ से। यूट्यूब पर आपकी वीडियोज पर एड्स को स्किप करते हैं तो क्या आपको कम रेवेन्यू मिलता है उससे कि जब हम पूरा एड्स देखते हैं? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप कर दे, पड़ता है ऑब्वियसली, पड़ता है थोड़ा सा, पूरा एड देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, बट नहीं देखोगे कम पे रखोगे थोड़ा, बट उतना ज्यादा नहीं होता, इट्स ओके, इट्स फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इमरान खान की तरफ से। आईक्यू 7 लेजेंड या 1+8 प्रो मैं कहूंगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजें थोड़ी अच्छी हैं। परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली आईक्यू 7 लेजेंड वो थोड़ा आगे है, लेकिन अगर आपको डिस्प्ले अच्छा चाहिए ना तो मैं कहूंगा 1+8 प्रो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गोपाल चंदेल की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी M51 और F62 में करियर एग्रीगेशन आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? ऑब्वियसली उसके चिपसेट को सपोर्ट करता है तो आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि सैमसंग देगा, ठीक है। सैमसंग के अपडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो देते हैं कि नहीं, बट सैमसंग इनमें नहीं देगा जहां तक मैं जानता हूं आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आलोक प्रिया की तरफ से। सर क्या मुझे सैमसंग S21 FE के लिए वेट करना चाहिए? देखिए S20 FE जो था वो तो पहले आ गया था, लेकिन 5G वाला जो था वो बहुत टाइम बाद आया हुआ था एंड अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं उसको इंडिया में लॉन्च होते, तो इसको आने में आराम से आपको अभी 5 से 6 महीने का टाइम बाकी है इंडिया में, मैं कह रहा हूँ। ग्लोबली कब जाता है कह नहीं सकता, पॉसिबली अगले एक महीने में, लेकिन इंडिया में आने में इसको अभी 5 से 6 महीने का टाइम बाकी लगेगा, इससे जल्दी नहीं लॉन्च करने वाला है सैमसंग, वेट करना आप कर लीजिए अगर 5 से 6 महीने कर सकते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माहीबी की तरफ से। सर मैंने आपका फ्लिपकार्ट का मोबाइल एक्सचेंज का वीडियो देखा, क्या मोबाइल एक्सचेंज का स्कैम अभी चालू है? स्कैम क्या है ना, वो लोग मोस्ट ऑफ द स्कैम नहीं है, वो 90% 95% स्मार्टफोन वो लोग कैंसिल कर देते हैं एक्सचेंज के, कुछ ना कुछ निकाल के खरीदेंगे वो लोग। मेरा तो आज तक एक भी एक्सचेंज नहीं हुआ एंड अमेजोन में किया तो सारा हो गया। मैं ऐसा कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट का फेवर नहीं कर रहा हूँ या फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आप भी करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम नहीं होता, 95% कैंसिल होते, तो 5% केसेस हैं जो हो जाते हैं, बट दिखाने के लिए कि देखिए भाई हम करते हैं, वो दिखाने के लिए उनके पास एग्जाम्पल्स रहनी चाहिए ना बस यही। क्योंकि मुझे भी मेरा फ़ोन एक्सचेंज करना है और अगर इन कंपनी स्कैम करती है तो मोबाइल एक्सचेंज का कोई और तरीका या ऑप्शन आप अमेजोन पे कीजिए, ज़्यादा चांसेस हैं हो जाए रादर देन फ्लिपकार्ट, मेरा एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, बाकी आप देख लीजिए अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इरफान हाशमी। शाहिद अफरीदी कौन सा प्रोसेस? अच्छा वो लास्ट उस दिन मैंने विराट कोहली एंड उसका एक्सप्लेन किया। शाहिद अफरीदी है एक्सिनोस का 9611, GPU तगड़ा है अपने सेगमेंट में, मतलब गेमिंग तगड़ी है, लेकिन परफॉर्मेंस मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाते, तो वही समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अर्पित शर्मा की तरफ से आता है। वन क्वेश्चन भाई, एंड्रॉयड 12 बेटा के अपडेट के लिए रियलमी GT और मी 11 अल्ट्रा जैसे मोबाइल का नाम आया है, बट उनमें वो फीचर कैसे आ सकते हैं जो गूगल ने IO में बताया, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल, लॉक स्क्रीन एनिमेशन एक्सेट्रा, क्योंकि इन मोबाइल में तो मी UI है ना? नहीं, रियलमी GT में तो रियलमी UI रहेगा ना, उसमें मी UI कहाँ से आ जाएगा? लेकिन मी UI तो एंड्रॉयड के ऊपर ही बेस होता है ना, तो जो एंड्रॉयड में आएगा वो मी UI में आ ही जाएगा अपने आप ही, क्यों नहीं आएगा? मी UI, रियलमी UI, ये तो एंड्रॉयड के ऊपर है, एंड्रॉयड वर्जन है, OS है वो, मी UI और जो रियलमी UI ये लेयरिंग्स हैं उसके ऊपर के, तो नहीं क्यों आएगा वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एंड्रॉयड अलग होता है OS एंड मी UI एकदम अलग होता है, ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप होटल में जाते हो ना, जैसे 5 अलग अलग होटल्स हैं, एक होटल है आपको सादा खाना दे रहा है, चावल दाल रोटी सब्जी, ठीक है, तो वो स्टॉक एंड्रॉयड है, यानी एंड्रॉयड प्योर एंड्रॉयड जो होता है, उसके बाद उसी से वही खाना खरीद के दूसरा होटल वाला उसमें से थोड़ी चटनी मिला के दे रहा है आपको, तो वो रियलमी UI होगा, थोड़ा सा टेस्ट में चेंज, ठीक है, अपना अपडेट कर रहा है वो, कुछ अपनी चीज़ें डाल रहा है। फिर उसी स्टॉक एंड्रॉयड से खरीद के दूसरा होटल वाला आपको उसमें अचार की चटनी दे दे रहा है, आम की अचार दे दे रहा है, सॉरी अचार की चटनी बोल रहा हूँ, आम का अचार दे दे रहा है, तो वो मी UI हो गया। तो ऐसे सब बेस होते हैं एंड्रॉयड के ऊपर ही, जो पहला वाला होटल है उसी से ही खरीद रहे हैं सब लोग एंड उसमें थोड़े थोड़े टेस्ट चेंज कर करके अपने फीचर्स डाल डाल के वो लोग देते हैं। मी UI रियलमी UI एंड्रॉयड से अलग नहीं होता, पूरा उसी के ऊपर ही बेस्ड है, बट वो लोग अपने फीचर्स उसमें थोड़े थोड़े डाल के टेस्ट अलग करके आपको दे रहे हैं, बस यही चीज़ है और कोई डिफरेंस नहीं होता। आई विश कि समझ गया हो, तो एंड्रॉयड के ऊपर बेस्ड है, जो भी एंड्रॉयड में आएगा वो उसमें आएगा ही आएगा,
कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू वैद्य की तरफ से, आईक्यू के नए मोबाइल कब आने वाले हैं? अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ आपको पॉसिबली मई में ही लॉन्च होने वाला था, आईक्यू का जी फाइव ना वो वाला, तो वो वाला आ रहा है जल्दी, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अलावा आईक्यू का 7 लाइट है वो भी आएगा, जो कि आईक्यू नियो 5 वाइटेलिटी एडिशन के नाम से आ रहा है ना, वो भी पॉसिबली आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मार्ट वर्क की तरफ से, हेलो सर कैसे हो आप? मेरा क्वेश्चन है क्या स्नैपड्रैगन 860 और स्नैपड्रैगन 865G दोनों में से 5G वाले का परफॉर्मेंस अच्छा है? नहीं, वो सिर्फ नेटवर्क के लिए है, 5G के लिए ऐसा परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम ही चिपसेट है। आपने मॉडेम आता है 5G का, आपने 5G मॉडेम लगा दिया तो 5G इनेबल हो जाएगा, निकाल दिया तो फिर डिसेबल हो जाएगा, तो यही चीज है बस, और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आर्यन सिंह की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर, सर माय क्वेश्चन इज दैट 5G, इफ 5G कम्स टू इंडिया देन व्हाट विल हैपन टू द बर्ड्स? कुछ नहीं होगा, ये सब फेक है यार, कुछ ऐसा नहीं होता इतना कि बर्ड्स को कुछ हो जाएगा हो जाएगा, वो कोरोना में भी ऐसे ही फेक लगा रहे थे, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बैंड से कुछ नहीं होता बर्ड्स को, ये सिर्फ एक फेक न्यूज है, ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ, कहीं चिड़ियां मर रही है तो बता दे रहे 5G की वजह से मर रही है, फेक है सब, ऐसा कोई वो नहीं है अभी तक, ऐसा कोई प्रूफ ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, वो सिर्फ एक, सबके हाथ में इंटरनेट आ गया है ना, ज्यादा चीप हो गया है तो लोग अपने मन से जो मना रहे हैं वो करते जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि 5G की वजह, कोरोना की वजह से नहीं 5G की वजह से लोग मर रहे हैं। बताइए, मैं बनारस में रहता हूँ, बनारस में कौन सा 5G चल रहा है? यहाँ पे भी लोग कोरोना से मर रहे हैं। मेरे गाँव में कौन सा, यहाँ तो 4G भी अच्छे से नहीं चलता, 5G तो बहुत दूर की बात है, तो मेरे गाँव में कैसे लोगों का डेथ हो गया? मतलब कुछ भी, लोग इंटरनेट है तो व्हाट्सएप पे कुछ भी सर्फ कर रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं एंड सब चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किरण अंबादे की तरफ से, सॉरी सर, सैमसंग गैलेक्सी A52 5G इंडिया कोरोना की वजह से लॉन्चिंग डिले हो सकता है क्या? ऑलमोस्ट हो गया है, हो सकता नहीं है, दो रीजंस उनके आ रहे हैं, एक ये कोरोना वाला, क्योंकि सारे ब्रांड्स ने डिले किया है, अब मई में कोई लॉन्च नहीं कर रहे, ठीक है, एंड दूसरा एक रीजन था चिपसेट का शॉर्टेज, स्नैपड्रैगन के चिपसेट का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, इसके लिए भी उन लोगों ने डिले किया हुआ है, तो पॉसिबली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जून में लॉन्च हो, लेट्स सी, देखते हैं। वैसे इसका लॉन्च 15th ऑफ मई के आसपास होने वाला था, पहले बाद में उन लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ध्रुव डीजे की तरफ से, सर प्लीज रिप्लाई, क्या अच्छा 4G फोन विद नो कॉम्प्रोमाइजेज वर्सेस 5G फोन विद कॉम्प्रोमाइजेज 2021? अभी देखिए 5G आने में 2 साल का टाइम है, 2023 में पॉसिबली आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, वो भी हर जगह नहीं, सिलेक्टेड सिटीज में, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बड़े सिटीज, टीयर ए की सिटीज है वहां पे, ठीक है, लेकिन उस टाइम जब लॉन्च होगा ना तो सबके लिए नहीं होगा, लॉन्च होने के कम से कम 2 साल तक, 1.5 साल तक आप 4G ही यूज करोगे, क्योंकि 5G के प्राइसेस बड़े होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है, तो 2 साल इधर ले लो, 1.5 साल उधर लो, अभी 3.5 साल तक आप 4G फोन आराम से यूज कर सकते हो, एंड 5G के और ऑल ओवर इंडिया जाने में तो और भी टाइम लगेगा, समझ लो पूरे इंडिया में जाने में, पान इंडिया जाने में अभी बहुत टाइम लगेगा, टाइम है, अभी भी 4G लेते हो तो आराम से यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बात से आप एक अच्छा स्मार्टफोन देखो जो 4G सपोर्ट करता हो एंड अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आता हो, अभी 5G के पीछे भागने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने कहा था ना वो वाला सनीमा वाला गैंग ऑफ असीपुर का लास्ट वाला एपिसोड जाके देखो, उसमें बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्पित शर्मा की तरफ से, भाई ग्रेट वीडियो, थैंक यू। क्वेश्चन, व्हाट डू यू फील सैमसंग HM2 सेंसर? ये सेंसर सैमसंग के अलावा सभी ब्रांड्स के मिड रेंज फोन्स में आ चुका है, व्हाई देयर इज नो सैमसंग मिड रेंज फोन विद 10? पॉसिबली कुछ टाइम में आ जाएगा, रीजन है कि महंगा होता है ना, 64 मेगापिक्सल वाला थोड़ा चीप होता है, 108 वाला थोड़ा महंगा होता है, सैमसंग पहले से ही गालियां खा रहे हैं कम स्पेसिफिकेशन देने के लिए महंगे प्राइस पे, एंड देन और पैसा लगा देंगे तो स्मार्टफोन का प्राइस और बढ़ जाएगा, क्योंकि 108 थोड़ा महंगा होगा, सॉरी महंगा बोल रहा था, तो इसलिए अब सैमसंग जो देता है नॉक्स की सिक्योरिटी देता है, उसके लिए पैसे लगते हैं, एंड कुछ ऐसे फीचर्स देता है जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं जो बाकी स्मार्टफोन नहीं देते हैं, तो उनके लिए थोड़ा पैसा उसको खर्चा करना पड़ता है, इसलिए उसके फोन पहले से थोड़े महंगे होते हैं, तो अगर HM2 का सेंसर दे देंगे तो फिर और भी महंगा हो जाएगा, तो लोग और गालियां देना चालू कर देंगे, इसीलिए नहीं देते, पॉसिबली जल्दी देखने को आपको मिल जाएगा, जब चीप हो जाएंगे सेंसर्स तो आपको देखने को मिलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, व्हाट इज कस्टम रोम, इज इट सेफ और नॉट? कस्टम रोम होता है, जैसे मैं अगर इसमें MIUI यूज कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन में, मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो मैं उसको रूट करके फिर कोई कस्टम दूसरे स्मार्टफोन का OnePlus का रोम यूज करने लगूँ, ठीक है, तो पूरा सेटअप हो जाएगा सेफ, अगर आपको करने आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगा मत करो, अदरवाइज मोबाइल ब्रेक हो जाता है अक्सर, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को नहीं आता, और YouTube पे देखे करते हैं बाद में बहुत पछताते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं आता पूरा सेटअप, जब तक आपको मालूम नहीं है चीज़ें तब तक मत कीजिए, किसी का देख के नहीं करना चाहिए, YouTube पे तो ट्यूटोरियल देख के तो कभी मत करना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्री गोपाल जी की तरफ से। नाइस वीडियो विवेक भाई, थैंक यू। इन यूट्यूब व्हेन वी जूम टू फिल फीचर टू सी यूट्यूब वीडियोस ऑन फुल स्क्रीन बॉटम पार्ट ऑफ द वीडियो डिसअपीयर्स, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। आप नहीं कर सकते। YouTube का जो एस्पेक्ट रेशियो है 16:9 का है। पहले बहुत, आज से 5-6 साल पहले स्मार्टफोन आते हैं ना 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले, वही YouTube का एस्पेक्ट रेशियो है। और आपके स्मार्टफोन का अब रेशियो जो है 20:9 है, 19:9 है, 21:9 है। तो अगर आप डायरेक्ट स्मार्टफोन में देखोगे तो साइड के कॉर्नर्स आपको ब्लैक दिखेंगे, लेकिन अगर आप फिल करने की कोशिश करोगे तो पहले YouTube का एस्पेक्ट रेशियो अलग है, आपके स्मार्टफोन का एस्पेक्ट रेशियो अलग है, तो कैसे फिल हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। कोई ना कोई पार्ट ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा। या तो आप उसमें देखो, छोटा करके जूम मत करो, तो पॉसिबली आपको पूरा दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नितिन कामले की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर। विवेक सर, अगर शाओमी कंपनी फोन बनाने के से पहले अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी थी तो उनके MIUI में इतने बग्स क्यों होते हैं? अगर सॉफ्टवेयर कंपनी थी तो उनका सॉफ्टवेयर अच्छा होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं, देखिए मैं, एक होटल है जो बहुत महंगा है, एक होटल है, रेस्टोरेंट है जो बहुत चीप है, ठीक है। आप महंगे वाले होटल को पैसा दोगे तो ऑब्वियसली आपको अच्छा खाना देगा, अगर सस्ते वाले होटल को पैसा दोगे तो आपको चीप खाना देगा, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो आप सैमसंग को जितना पैसा पे कर रहे हो उतना शाओमी को पे नहीं कर रहे हो ना, तो सैमसंग को ज़्यादा पैसा पे करोगे तो आपको ऑब्वियसली यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर मिलेगा, शाओमी को कम पैसा पे करोगे तो ऑब्वियसली यूज़र एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब मिलेगा। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी होने से वो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑब्वियसली आप कितना पे करते हो उस बात से ज़्यादा फर्क पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गेमिंग साईराज यूट्यूब की तरफ से। N78 इंडिया में सपोर्ट करेगा विवेक भाई? गलत मत बताओ, नहीं करेगा ऑब्वियसली। वो 3.6 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा का है, ठीक है, 3.6 से कम वाले N77 और N78 नहीं करेगा, उसके नीचे वाले पॉसिबली सारे करेंगे। अभी देखो कन्फर्म नहीं, मैं क्लियर कह दूँ, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में कहता हूँ ये कि जब तक इंडिया में 5G नहीं आता तब तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन ट्राई ने कहा है कि 3.6 मेगाहर्ट्ज़ वाले जितने भी हैं उससे नीचे वाले सारे सपोर्ट करेंगे। N78 और N77 दोनों 3.6 से ऊपर वाले हैं, किसी का सुन के मत किया कीजिए। N78 ही आया था ना N77 नॉर्ड में, तभी से तो लफड़ा चालू हुआ था सारा कि भाई इसमें N77 N78 है कहाँ से सपोर्ट करेगा। वहीं से तो सारा लफड़ा चालू हुआ कि दो बैंड्स हैं, उसके बाद सारे स्मार्टफोन में सब लोग देखने लगे कितने बैंड्स आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योगेश भट्ट की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर। सैमसंग S62 हार्डवेयर सपोर्ट करता है करियर एग्रीगेशन तो फिर भी सैमसंग ने नहीं दिया, क्या सैमसंग अपडेट्स इनेबल कर सकते? कर सकता है 4G+, बट नहीं करेगा, जहां तक मेरा ख्याल है नहीं करेगा, नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस्माइल की तरफ से, सर M62 और M52 में डिफरेंस क्या होंगे? M62 जो है वो सैमसंग गैलेक्सी S62 का रीब्रांडेड वर्जन होगा 5G सपोर्ट के साथ, सेम टू सेम एग्जैक्ट। और M52 जो है वो जो चाइना में कहा जा रहा है, अभी फिलहाल M52 के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कल एक रिपोर्ट आई थी जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि M52 जो होगा वो चाइना में जो सैमसंग F52 आया ना उसका रीब्रांडेड वर्जन होगा, तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। सबसे पहला तो सुपर एमोलेड पैनल का ही डिफरेंस है, उसके बाद चिपसेट का है, तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चंद्रशेखर गिरी की तरफ से, सर IQ7 5G वर्सेस A52 5G फोन कौन सा अच्छा है, जरा बताओगे प्लीज़? दोनों में अगर आपको यूज़र एक्सपीरियंस बेटर चाहिए, ठीक है, UI अगर आपको अच्छा चाहिए, सिक्योरिटी के फीचर्स बहुत तगड़े चाहिए, तो A52 की तरफ चले जाओ, लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस बेस पे जाना चाहते हो तो IQ ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुखवंत सिंह जी की तरफ से, यूरोप में फ़ोन कॉस्टली क्यों होते हैं, क्या क्वालिटी में फ़र्क होता है? नहीं, कोई क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ पे एक समझ लो बाइक बनाने वाला आदमी है, ठीक है, टायर फिक्स कर रहा है, वो इंडिया में कितना पैसा लेगा और यूरोप में कितना पैसा लेगा, है ना डिफरेंस? ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे बाइक बनवाते हो या यूरोप में बाइक बनवाते हो, रिपेयर करवाते हो, तो डिफरेंसेस रहेंगे ना, सर्विस चार्जेज में डिफरेंस है। तो स्मार्टफोन जो ना मेड इन इंडिया तो नहीं होते, असेंबल इंडिया कहूँगा, तो असेंबल करने के जो चार्जेस एक इंडियन लेता है और एक यूरोपियन लेता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है ना, इसीलिए वहाँ पे सैलरी ज़्यादा है, यहाँ पे सैलरी कम है ना, तो वही चीज़ जो है फ़र्क लाती है प्राइजेस में भी। तो जितने भी सर्विसेज या जितने भी टैक्सेशन यूरोप में लगते हैं और चाइना में लगते हैं या इंडिया में लगते हैं, तीनों में बहुत डिफरेंस है। यूरोप में सबसे ज़्यादा होता है, चाइना में सबसे कम होता है, इंडिया में बीच में आता है, इसीलिए प्राइजेस में डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आलोक कॉटन गेमिंग की तरफ से, हैशटैग विवेकांसर भाई, Dimensity 900 वर्सेज स्नैपड्रैगन 768G कौन सा बेटर है? परफॉर्मेंस अगर आप अंतुतु के हिसाब से जा रहे हो तो दोनों ऑब्वियसली सेम है, ठीक है, उतना ही स्कोर आया, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको स्ट्रीमलाइन चिपसेट चाहिए, ज़्यादा बेटर स्मूथ चिपसेट चाहिए, तो मैं कहूँगा कि आप स्नैपड्रैगन की तरफ जाओ, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन गेमिंग के लिए चाहिए, थोड़ा सा हीटिंग बेयर कर लोगे तो Dimensity बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृष्ण पटेल की तरफ से, मोबाइल कंपनी क्यों डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट नहीं देती? कॉस्ट कटिंग के लिए, जितने ज़्यादा फीचर दोगे उतना भाव बढ़ जाएगा प्राइस का स्मार्टफोन का,
तो भाव बढ़ जाएगा तो लोग कम खरीदेंगे। तो इसीलिए प्राइस कम करने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कह लो, वो लोग चीजें कट करते हैं, तो उसी में डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट भी होता है। चलिए ये थे आज के क्वेश्चंस। आई विश कि मैंने बहुत सारे लोगों के आंसर दिए हों, जिनके आंसर नहीं दिए हैं, अब थोड़ा यूनिक क्वेश्चन देंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपके क्वेश्चन पिक हों। नॉर्मली अगर आपको कौन सा स्मार्टफोन लूं, ये स्पेसिफिकेशन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहां पे क्वेश्चन पूछिए। शाम तक पॉसिबली कोशिश करता हूं वहां पे भी आंसर दे देने की। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, और नेक्स्ट वाले एपिसोड में आना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपने लिख लो, वहीं से मैं पिक करता हूँ। और साइड में देखो बैक टाइम है, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और या तो इंस्टाग्राम पे आ जाना यार, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।